हेलो स्टूडेंट्स, मैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके दोपहर की एक, स्वागत है आप सभी का ठीक दोपहर के 1 बजे आपके अपने एग्जामपुर परिवार में, जिसमें हम लोग डेली रोज करते हैं ठीक दोपहर 1 बजे अपनी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं DOS की कमांड को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को। सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, सेशन रहेगा आपका हाफ एन आवर का, बट इस 30 मिनट में 30 क्वेश्चन लगभग हम लोग कवर करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज का सेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है जो कि बेहद ही जरूरी होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, भैया आप सभी स्टूडेंट जो SSC CSHL कि एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए एग्जामपुर की टीम लेकर आई है विजय पथ बैच। इस बैच के अंदर डेली आपको दी जा रही है लाइव क्लासेस, क्लास के PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और डाउट सॉल्विंग टेस्ट, ये सारी चीजें आपको दी जा रही है 60% ऑफ पर। तो बैच खरीदते समय आपको कोड लगाना है CSHL 6060। 60% ऑफ मतलब मात्र 599 में आपको ये बैच मिले जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर आप लेना चाहते हैं हमारे क्लास के कंप्लीट पैक नोट्स, जिसके अंदर रीजनिंग के अलग नोट्स हैं, मैथ्स के अलग है, जीके जीएस है, इंग्लिश हिंदी, सभी के कंप्लीट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, तो आप इस वाले मॉड्यूल को भी ले सकते हैं। मात्र 999 में मॉड्यूल दिया जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी कोर्स को या बुक को परचेज करने के लिए डाउनलोड कीजिए एग्जाम्पल की ऑफिशियल ऐप, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं या बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर स्पेशल बैच बचा न्यू ईयर पर आएगा, 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको बच्चा तुरंत बता दूंगी, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, कंप्यूटर का स्पेशल बैच जरूर जल्दी ही लेकर आया जाएगा, और जो भी होता है, जैसे भी होता है, आपको मैं तो बता दूंगी, ठीक है। अगर पहले आता है तो भी, बाद में आता है तो भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, टॉपिक है, ठीक है, पूरा टॉपिक बोलूंगी मैं इसे, DOS कमांड को हम करने वाले हैं। अब DOS से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए OS के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय OS? OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS से आप क्या समझते हैं? तो OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसे कहा जाता है, कैसे होता है, तो वो सारी चीजें अब यहाँ पर देखिए। तो एक वैसे इसकी इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक भाषा है, परिभाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी बातें कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की बातें हमें समझाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हम इसे लिख सकते हैं कैसे, कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में, उपयोगकर्ता के बीच समन्वय बनाने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है विशाल, ये तो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। बच्चा देखो, आपको जब मैं जो करवाती हूँ वो नहीं करना, उसके अलग टॉपिक करना होता है। जो मैं आपको करवा रही हूँ इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, तभी मैं पढ़ा रही हूँ, वरना मैं क्यों ऐसी चीज पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, कैसी बात कर रही हूँ। अब MS ऑफिस की आप बात कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जनवरी के 2 जनवरी से आपके चैप्टर वाइज चीजें स्टार्ट कर दूंगी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, आ जाओ जरा। तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है।
अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है सारी चीजें करना, भाई कंप्यूटर में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सभी को देखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, कंप्यूटर को मैनेज करना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार से मार्केट में मौजूद है, एक जीयूआई वाले, जीयूआई वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको कहा जाता है ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें चित्र के थ्रू आप काम कर सकते हो। जैसे भाई आपके पास मोबाइल फोन है, आपको कैमरा ओपन करना है, आपने कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करा तो जाहिर सी बात है कैमरा ओपन हो गया, भाई आप केवल उस पर टच कर दो वो चीज खुल रही है, वो ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्लियर। अब एक होते हैं आपके सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको कहा जाता है कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन्हें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब ये कौन से होते हैं जिनमें आपको कमांड लिखनी पड़ती है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज देखना है तो आपने इस पर क्लिक कर दिया खुल गया, ना भवना अब तो टाइप करना पड़ेगा ओपन दिस फाइल या फोल्डर, ठीक है। तो ये होते हैं कैरेक्टर यूजर, इसमें ना कमांड देनी पड़ती है, आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा, चित्र वित्र कुछ नहीं होता, इसमें कमांड देनी होती है। सबसे अच्छी इसको उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आ जाता है हमारा विंडो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका आ जाता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं ये आ जाता है, भाई चित्र देखकर तो काम हो रहे हैं। अच्छा कमांड वाले में आते हैं सबसे पहले यूनिक्स और लिनक्स की कमांड होती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनके ओल्ड वर्जन पुराने वाले वर्जन इनको चलाने के लिए कमांड की इस्तेमाल की जाती है। आजकल जो ट्रेंड कर रहा है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कमांड बेस्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। तो पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है DOS वाली, यहीं से मैं शुरू करूंगी, पर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो देखो एक तो होता है मिक्स क्वेश्चन लग गए, मिक्स क्वेश्चन में क्या है सब मिक्स्ड है तो वहां पर कहां से स्टार्ट करें, लेकिन जब आप टॉपिक से करते हो तो जाहिर सी बात है आपको फिर डिटेल पहले पता करना चाहिए फिर स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बात करें DOS के बारे में, तो DOS के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था XDOS 86 और इसे बनाया गया था किसके द्वारा, पहली बार इसे IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया, IBM हो जाती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कंपनी के द्वारा नामी ग्रामी मशीन वो है कंपनी, इसके शेयर्स भी मिलते हैं मार्केट में, इसको बनाया गया। फिर क्या हुआ कुछ टाइम के बाद 1885 के अराउंड इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपके DOS 86 को खरीद लिया। अब जब इन्होंने DOS 86 को खरीद लिया तो अब ये जो चाहे वैसा नाम दे सकते हैं, भाई जब चीज खरीद ली गई अब जो भी करो उसके साथ नहीं, अब आप एक गुड़िया खरीद के लाए मेले में से, मेले में गए घूमने के लिए आपने गुड़िया खरीदी डॉल खरीदी, अब चाहे आप उसको घर पे लाके उसके कपड़े खुद सील कर पहनो, उसकी आंखें नोच लो, उसके बाल नोच लो, या फिर उसको प्यारे प्यारे कपड़े पहना दो, अब भाई वो आपके ऊपर है खरीद ली तो आप रखो उसको जैसे रखना है। सेम जब DOS को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खरीदा गया तो इसका नाम रखा गया MS DOS, मतलब फिर इसका नाम पड़ गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मेन क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, एक बार में केवल एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है और एक बार में केवल एक ही काम इस पर किया जा सकता है।
तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो पूरी इसकी कहानी थी कि भाई क्या हुआ इसके साथ, कैसे कैसे घटना घटी। अब आ जाते हैं हम इसके किसके अंदर, अब आ जाते हैं हम इसकी कमांड के। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको इसकी कमांड याद होनी बेहद जरूरी है। विदाउट कमांड आप कुछ नहीं कर सकते। कमांड होती है दो प्रकार की, एक होती है इंटरनल कमांड और एक होती है आपकी एक्सटर्नल कमांड। अब जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है, इंटरनल कमांड जो पहले से ही मेमोरी में सेव है, जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है, इसे कहा जाता है इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल कमांड जो बाहर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर के काम को संभालती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर के काम को संभालने वाली, ये होती है एक्सटर्नल कमांड। अगर मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को दे दूं तो इंटरनल कमांड में आ जाता है आपका टाइम, भाई वर्तमान समय कितना हो रहा है, डेट तारीख कितनी है, वर्जन VER कौन से संस्करण पे काम कर रहे हो। एक्सटर्नल कमांड बाहर का जो काम करना है, जैसे डिस्क को कॉपी करना, डिस्क को चेक करना कि सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारे काम आपके आ जाते हैं एक्सटर्नल कमांड। तो ये दो चीजें होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे। तो अब ऐसे ही हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड से रिलेटेड। लगभग आपके 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम करेंगे और बड़े ध्यान से आप लोगों को कॉपी में नोट करने हैं। मुश्किल से एक पेज में सारी चीजें आ जाएंगी आज की, पर होंगी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आज क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ही, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS, DOS की फुल फॉर्म क्या होगी। इजी क्वेश्चन से शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS, DOS की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी। करिए जरा, पीडीएफ कहां से मिलेगी मैम, आपने आंखें नोची है क्या। अरे एक नहीं होता क्या डॉल, जो गुड़िया गुड़िया खरीद के लाते ना, 3-4 दिन का प्यार होता है, तो उसके बाद पता नहीं कहां चल जाती है। बाद में प्रिया को हेलो कर लेना, अभी आप सामने पढ़ लीजिए, ठीक है। आ जाओ इधर, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन 1 में है। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बच्चा MS Excel करवाऊंगी, थोड़ा सा रुक जाओ, आफ्टर क्रिसमस करवा देती हूँ, ठीक है। सिंगल यूजर और सिंगल टास्क, एक बार में केवल एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है और एक बार में एक ही काम किया जा सकेगा। फिर आगे आपको दिया हुआ है DOS कमांड विल फॉर्मेट अ फ्लॉपी डिस्क एंड ट्रांसफर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। पढ़िए जरा इसको भी जल्दी से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक मिनट। चलो, क्या दिया हुआ है आपको इसके अंदर, इससे पूछा गया है क्या, कौन सा डॉस कमांड एक फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करता है और सिस्टम फाइल में ट्रांसफर करता है। इनमें से किस कमांड के द्वारा आप पहले फ्लॉपी को कमांड करके सिस्टम फाइल में ट्रांसफर कर सकते हो, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फाइल को क्या करने की बात की जा रही है, फाइल को फॉर्मेट करने की बात की जा रही है। तो फाइल को फॉर्मेट करने के लिए फ्लॉपी को फॉर्मेट करना है और ट्रांसफर करना है, तो फॉर्मेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है आपकी टाइप कमांड, लिख लेना। टाइप कमांड का किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइल के कॉन्टेंट को, फाइल में क्या लिखा है, फाइल के कंटेंट की डिटेल जानने के लिए, फाइल किस तरीके की है, फाइल के कंटेंट की डिटेल जानने के लिए फाइल टाइप कमांड का इस्तेमाल होता है। एमएस डॉस किस वर्ष विकसित हुआ था, अभी मैंने लगभग आपको बताया भी है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को किस वर्ष विकसित किया गया था, बताइए जरा इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इनमें से किस वर्ष विकसित किया गया था, बताइए जरा।
बच्चा देखो, अगर आप फाउंडेशन क्लास लेना चाहते हैं ना कंप्यूटर की, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर अभी आया, सीजीएल के बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, आपके अच्छे स्कोर आए फर्स्ट के अंदर प्रीलिम्स में, अब मेंस में कंप्यूटर है, तो मैं आपको ये बोलूंगी फाउंडेशन के लिए अभी तो आप डेली क्लास ले लो, ये ले लो। अगर एक स्पेशल बैच चाहिए कंप्यूटर का तो कुछ टाइम रुको, न्यू ईयर में मैं एक बैच लेकर आई हूँ, हो सकता है वो बैच 26 से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं बात करके जैसे भी होगा मैं आपको शाम तक एक छोटी वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, तो आप उस बैच को ले सकते हो। फिलहाल तो अभी ऐसा कोई पर्सनल बैच नहीं चल रहा है, ठीक है, आ जाओ। 1984 करेक्ट हो जाएगा, 1984 में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। DEL, डेल कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 4, DEL, डेल कमांड का इस्तेमाल इनमें से किस, इनमें से कौन से काम के लिए डेल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो डेल कमांड का इस्तेमाल करके आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, जिस भी फाइल को जाएं उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी RD कमांड, एक होती है CD कमांड, एक होती है MD कमांड। तीनों का मतलब क्या होता है? लिखना, तभी मैंने बोला कॉपी और पेन लेकर बैठो। RD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब होता है जहां पर फाइल स्टोर होती है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RD कमांड होती है। करंट डायरेक्टरी, वर्तमान वाली डायरेक्टरी को अगर आप देखना चाहते हैं तो वर्तमान वाली डायरेक्टरी को देखने के लिए CD का इस्तेमाल किया जाता है। MD का इस्तेमाल होता है मेकिंग डायरेक्टरी, अगर आप कोई नई डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं तो फिर MD का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सारी कमांड है, आगे चलो नेक्स्ट। विच कमांड इज यूज टू गेट द करंट डेट, वर्तमान की तारीख के लिए, तो क्या इजी क्वेश्चन पूछ लिया इसने, वर्तमान की तारीख के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए जरा, वर्तमान की तारीख का पता लगाने के लिए, करंट डेट का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? बताओ जरा एक बार फटाफट से। UPPCL के लिए क्लास मैराथन ले लीजिए मैम प्लीज। अरे रोहित बच्चा प्लीज मत बोलो, डेफिनेटली मैराथन आएगी कंप्यूटर की। अभी तो मैं रीजनिंग की ले रही हूँ, कल अगर आप रीजनिंग के लिए तैयार हो तो कल सुबह 9 से 12 तीन घंटे की रीजनिंग की मैराथन है, जरूर जुड़िएगा। और कंप्यूटर के लिए मैं नेक्स्ट मतलब 31 दिसंबर को लेती हूँ, चलो एक मैराथन 31 दिसंबर की, ठीक है। तो केवल वर्तमान का क्या देखना है? दिनांक देखना है। दिनांक के लिए डेट होता है, समय देखने के लिए वर्तमान का टाइम होता है, और ईयर में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। एक्सटर्नल कमांड, इनमें से कौन सी कमांड एमएस डॉस की एक्सटर्नल कमांड कहलाएगी? इनमें से कौन सी कमांड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटर्नल कमांड कहलाएगी? लगाइए दिमाग, बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करना जरा इसको, और जबकि आप कर सकते हो सकता है कुछ बच्चों का सही भी आए। करिए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर। चलो तो भाई, एक्सटर्नल कमांड जो कंप्यूटर के बाहर के काम को करता है, वर्जन, ये तो इंटरनल कमांड है ना, वर्जन बताएगी संस्करण। डेट इंटरनल कमांड है ना, तारीख बताएगी। कौन सा बच गया? ऑप्शन बी बच गया। एडिट करोगे उस फाइल को, जाहिर सी बात है एडिट की जा रही है, फाइल बाहर से आई होगी, बाहर जाएगी। सिस्टम सिंक्रोनाइज डेटा को चलाने के लिए, और चेक डिस्क, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। केवल आप थोड़ी सी अगर थ्योरेटिकल बातें सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर दे। कंफ्यूज हो सकते हो, बट वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है अगर आपने थ्योरेटिकल चीजों को समझा है तो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, ये रहा, पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SYS कमांड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? डॉस सिस्टम को, या डॉस सिस्टम फाइल को अपडेट करने के लिए, डॉस सिस्टम फाइल को नई डिस्क में कॉपी करने के लिए, डॉस कॉन्फिग्रेशन फाइलों को एक नई डिस्क में कॉपी करने के लिए, या उपरोक्त में से किसी के लिए।
तो एस वाई एस कमांड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये सिस्टम फाइल को नई डिस्क में कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि कॉपी करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉपी डिस्क इसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन ये एक डिस्क को दूसरे डिस्क में कॉपी करती है। यहां पर किसी सिस्टम फाइल को, सिस्टम की फाइल है उसको डिस्क में कन्वर्ट, डिस्क में डालना है, और इसके अंदर क्या होता है, एक डिस्क को दूसरी डिस्क में बदलना, यहां फाइल को डिस्क में डाल रहे हैं, दोनों में अंतर, क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट। डिस्क कॉपी कमांड इज डॉस इज यूज्ड। डिस्क कॉपी कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? देखो आगे ना, डिस्क कॉपी कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर एट के लिए, क्वेश्चन नंबर एट के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करना जरा एक बार इसको फटाफट से। मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉपी डिस्क का मतलब क्या होता है, एक डिस्क से दूसरी डिस्क में चीजों को भेजना। कॉपी डिस्क का मतलब क्या होता है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में चीजों को भेजना। तो भाई कॉपी ऑफ फाइल नहीं, कॉपी कंटेंट ऑफ सीडी रोम टू अनदर। क्या सीडी रोम के कॉपी को कंटेंट को कॉपी करता है? नहीं। तो एक फ्लॉपी डिस्क की सामग्री को दूसरे डिस्क में कॉपी करना, कॉपी कंटेंट ऑफ वन फ्लॉपी डिस्क टू अनदर, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में, अभी तो पढ़ा था, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में चीजों को तब्दील करने के लिए कॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता है, अभी तो पीछे पढ़ा। भाई डिस्क को डिस्क में चेंज करेगा कॉपी डिस्क, और फाइल को डिस्क में चेंज करेगा सिस्टम फाइल को डिस्क में चेंज करेगा एस वाई एस कमांड, क्लियर है? ये कमांड होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर ही पढ़िए, जरा बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या हो जाएगा। डीओएस का की हिडन सिस्टम फाइल्स को दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? भाई जो हिडन फाइलें हैं, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने हाइड करके छुपा के रखी हुई है, अगर आप हिडन फाइल को कॉपी करना चाहते हैं दूसरे डिस्क में, तो आप इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? करिए जरा क्वेश्चन नंबर नाइन, बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहे छुपी हुई फाइल हो चाहे दिखाई देने वाली फाइल हो, है तो सिस्टम की फाइल ना, सिस्टम फाइल को कॉपी करने के लिए एस वाई एस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आर ई एन का क्या होगा? तो आर ई एन ये होता है रीनेम, फाइल का नाम बदलने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए आर ई एन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी तो कॉपी कर देगा, क्या बचा डिस्क कॉपी, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में चेंज होती है। यहां दिया हुआ है हिडन फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम को कॉपी करना है डिस्क में, यानी क्यों परेशान हो रही हो? फाइल सिस्टम को, सिस्टम फाइल को कॉपी करने के लिए देखो क्या होती है, दो चीजें होती है, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ अलग से। एक होती है सिस्टम फाइल को डिस्क में कन्वर्ट करना, सिस्टम फाइल को डिस्क में कन्वर्ट करना या डिस्क में कॉपी करना। तो सिस्टम फाइल को डिस्क में कॉपी करने के लिए एस वाई एस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी होती है एक डिस्क का डेटा डिस्क से डिस्क में डेटा कन्वर्ट करना, अब उसमें सिस्टम फाइल नहीं देगा, वो कुछ भी हो सकता है, डिस्क से डिस्क में डेटा कन्वर्ट होना या कॉपी होना। अब इसमें कोई भी फाइल हो सकती है, सिस्टम फाइल नहीं है, तभी नहीं बोला। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिस्क कॉपी को या कॉपी डिस्क को, क्लियर है? आगे चल सकते हैं, आ जाओ। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल, अब फाइल को कॉपी करना है, ये केवल एक ही दो क्वेश्चन में घुमा देगा, कमांड ऐसी थोड़ी ना आसान होती है। क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, बताइए जरा क्वेश्चन नंबर टेन में बताना इसका आंसर क्या होगा। अब ना तो यहां पर डिस्क को कॉपी किया जा रहा है, ना ही सिस्टम फाइल को कॉपी किया जा रहा है, ना तो यहां पर डिस्क को कॉपी कर रहे हैं ना ही फाइल सिस्टम को कॉपी कर रहे हैं, तो केवल फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
इनमें से कौन सी इंटरनल कमांड होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, इनमें से कौन सी कमांड इंटरनल कमांड के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सी कमांड इंटरनल कमांड के अंतर्गत आती है, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए जरा फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, बताओ। इनमें से कौन सी कमांड फाइल की सारी इंटरनल कमांड है, देखो CLS हो गई क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करेंगी तो जाहिर सी बात है स्क्रीन पर कुछ लिखा गया होगा और लिखने वाला व्यक्ति बाहरी होगा तो बाहरी कमांड होगी, ये नहीं होगा। फाइल को रीनेम करोगे बाहर से कोई व्यक्ति कर रहा है, ये बाहर से बदला जाएगा फाइल का नाम, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। टाइम को दिखाएंगे कंप्यूटर के अंदर होता है, इंटरनल कमांड है। टाइप मतलब किसी भी फाइल के या डायरेक्टरी के कंटेंट को दिखाया जा रहा है तो ये भी इंटरनल कमांड है। डायरेक्टरी DIR डायरेक्टरी कंप्यूटर के अंदर ही होती है तो ये भी इंटरनल कमांड है। टाइम टाइप DIR ये तीनों की तीनों इंटरनल कमांड कहलाती है, ठीक है। हेमंत कुमार गुरुजी मेरा रिजल्ट अभी भी आया, हुबली जोन में सेलेक्ट हो गया है, अरे आपकी वजह से, थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत बहुत अच्छी बात है सिलेक्शन हो गया आप सभी का, तो भगवान आप सभी की और इस तरक्की को चार चांद लगाए और तरक्की करते रहो, तो ये दिन सबकी जिंदगी में आता है। क्या समझ में नहीं आया बच्चा बताओ, ये दिन सबकी जिंदगी में आता है जब आपका सिलेक्शन होता है और आप जॉब लेकर जाते हो, ट्रेनिंग पर जाते हो, पर ये तभी संभव होता है जब आप तैयारी करते हो उसके लिए, है ना। तैयारी करो जरूर आएगा ये दिन, ठीक है आ जाओ। तो डिलीट फाइल को डिलीट कर देंगे, दूसरे व्यक्ति के द्वारा डिलीट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल कमांड हो जाएगी, इनमें से इंटरनल कमांड सी वाली होगी, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, अभी मैंने पीछे बताया, अभी मैंने जस्ट पीछे इसी के बारे में बात की थी, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इनमें से माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, बताइए जरा बच्चा क्या होगा इसका आंसर, चलें आ जाओ। तो क्लियर स्क्रीन, जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसे हटा दीजिए, स्क्रीन पर पहले से जो भी सामग्री लिखी हुई है उसको हटाने के लिए क्लियर करने के लिए CLS कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 13, कॉपी और एक्स कॉपी सेम होती है किस सेंस में, कॉपी कमांड को और एक्स कॉपी कमांड को ये दोनों एक ही अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, क्या होता है, दोनों DOS की इंटरनल कमांड है, नहीं तो दोनों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटर्नल कमांड है, नहीं तो दोनों को इस्तेमाल किया जाता है फाइल या फाइल के समूह को कॉपी करने के लिए, फाइल या फाइल के ग्रुप को कॉपी करने के लिए दोनों कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखो, डॉस 6+ वर्जन में बैकअप के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, डॉस का एक नया वर्जन आया 6+, इसमें अगर आप अपनी फाइल का बैकअप लेना चाहते हैं, भाई आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट मारना चाह रहे हो, सपोज कोई वायरस आ गया तो आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर रहे हो, ड्राइव सी को बचाया जाता है क्योंकि ड्राइव सी में हार्ड डिस्क होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लग गई ना फॉर्मेट दोबारा से आपको विंडो डालनी पड़ती है, ठीक है, मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है, तो फॉर्मेट आप लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर आप चाहते हैं बैकअप लेना तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के 6+ वर्जन में बैकअप के लिए MS बैकअप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, MS माइक्रोसॉफ्ट बैकअप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ही रहा, विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रीड वाइल बूटिंग अ कंप्यूटर, कौन सी फाइल बैच फाइल है
जिसे कंप्यूटर बूट करते समय पढ़ा जा सकता है। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है, बूटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से बता दूंगी। जब कंप्यूटर बूटिंग करता है, कंप्यूटर को बूटिंग करते समय ऐप नहीं चल रही है, बच्चा जिनकी भी एप्लीकेशन नहीं वर्क कर रही है, इस क्लास के नीचे अपनी मेल आईडी जरूर छोड़ दे। नंबर मत लिख देना, नहीं तो नंबर बांट देंगे ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ आपका। आप केवल मेल आईडी जरूर लिख दीजिए और आपकी मेल आईडी से हमारी टीम संपर्क करके आपकी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर दे, ठीक है। हालांकि आज शाम तक हो भी जाएगा, अपडेट कर लेना, हो जाएगा। कौन सी फाइल आपकी बैच फाइल है जो कंप्यूटर बूटिंग के समय आप चला सकते हो? ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑटो एग्जेक बोला जाता है इसमें। कौन सी फाइल होती है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने वाली फाइल? ये बैच फाइल होती है। ऑटो का मतलब अपने आप ही, एग्जीक्यूट होने वाली फाइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी बूटिंग की चर्चा कर रहे थे हम, आ जाओ बूटिंग के बारे में देखते हैं। बूटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बूटिंग का मतलब होता है जब सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम को जब ऑन किया जाता है, जब सिस्टम ऑन होता है तो रोम की रीड ओनली मेमोरी की बायोस चिप के द्वारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप के द्वारा, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में चलाना बूटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। बूटिंग होती है दो प्रकार की, एक होती है गर्मा गर्म वॉर्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग ठंड। जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो या शट डाउन करते हो, माइक्रो प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है, इसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को रिबूट करते हो, बंद करके चलाते हो या रीस्टार्ट करते हो, तो ये दोनों प्रक्रिया में माइक्रो प्रोसेसर गर्म रहता है, इसको कहते हैं वॉर्म बूटिंग। ये पूरा का पूरा पोर्शन जरूर लिख लेना, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा खैर, बट उसको लिख भी लिया कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16-16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। CHKDSK कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? क्या कह रहे हो? यहाँ तो सरकारी ऑप्शन दिख रहा है ना। CHK आगे दे रखा है आपको। CHKDSK का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बताइए जरा, क्या होगा? बताओ 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 बताओ। बच्चा प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगी मैं, कह तो नहीं, थोड़ा रुक जाओ, अभी जो पढ़ रहे हो उसको नहीं पढ़ना, आ गया ये एग्जाम में फिर क्या करोगे? CHKDSK कमांड का प्रयोग इसमें से किसके लिए किया जाता है? चेक डिस्क कमांड हार्ड डिस्क की त्रुटि का विश्लेषण भी करती है, हार्ड डिस्क की त्रुटि का निदान भी निकालती है और डिस्क पर फाइल की स्थिति की रिपोर्ट भी करती है। ये सारे के सारे काम किए जाते हैं इस कमांड के द्वारा। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। इन विच वर्जन DOS CHKDSK कमांड हैज बीन चेंज्ड स्कैन डिस्क? इनमें से DOS की कौन से वर्जन में CHKDSK कमांड को बदलकर स्कैन डिस्क कमांड में चेंज कर दिया गया था? स्कैन डिस्क कमांड में चेंज कर दिया गया था। इनमें से DOS के किस वर्जन में CHKDSK कमांड को स्कैन डिस्क कमांड में चेंज कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ जरा। तो 6.2 वर्जन में CHK चेक डिस्क कमांड को स्कैन डिस्क में कन्वर्ट किया गया। तो यार तुक्के मार रहे हो आप, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन है जो कभी पढ़े नहीं होंगे, लिख लेना। 6.262 स्कैन कर दिया गया, ठीक है। आ जाओ आगे। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS कमांड ड्यूरिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज? किसी भी वैकल्पिक पैरामीटर का उपयोग करते DOS कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी होती? DOS कमांड की मैक्सिमम लंबाई या लेंथ कितने कैरेक्टर होते, कितने अक्षर होते? 26, 87, 127 या 145? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसको।
तो पूछा क्या गया है आपसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड होती है उसकी लेंथ मैक्सिमम पैरामीटर क्या होता है, 127 कैरेक्टर होता है, 127 वर्ण होता है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ, एक संपूर्ण पथ नाम जिसमें कई उप निर्देशिका नाम शामिल है कितने तक हो सकते हैं, एंटायर पाथ नेम, एक एंटायर पाथ का नाम जिसमें सब डायरेक्टरी भी शामिल हो, फाइल का नाम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है, ये आपको बताना है भाई, एक पाथ का नाम जिसमें सब डायरेक्टरी का भी नाम शामिल हो वो कितने तक हो सकता है, अप टू कितने कैरेक्टर हो सकता है, तो अप टू 63 कैरेक्टर हो सकता है, फाइल का नाम जिसमें आपके सब डायरेक्टरी इंक्लूडेड हो 63 हो सकती है, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ज्यादा नहीं, केवल 5 क्वेश्चन और आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा, द वॉल कमांड इज यूज टू VOL, वॉल कमांड का इस्तेमाल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किसके लिए किया जाता है, वॉल कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है, बताइए जरा आंसर क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, तो वॉल्यूम का लेवल देखने के लिए कि किस वॉल्यूम पर चीजें चल रही हैं, बढ़ाना है घटाना है क्या करना है, सीधा डिस्क वॉल्यूम लेवल, वॉल्यूम के लेवल को देखने के लिए वॉल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रीस्टोर कमांड इज यूज्ड टू, रीस्टोर कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाएगा, रीस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन की फाइलों को रीस्टोर करने के लिए किया जाता है, रीस्टोर फाइल विच आर डिलीटेड, जो फाइल डिलीट हो गई है उनको रीस्टोर करने के लिए किया जाता है, रीस्टोर फाइल विच आर डिलीटेड रिसेंटली, जो अभी अभी फाइल डिलीट हुई है उनको रीस्टोर करने के लिए किया जाता है, या रीस्टोर फाइल्स फ्रॉम डिस्क मेड यूजिंग द बैकअप कमांड, बैकअप कमांड का उपयोग करके बनाई गई डिस्क से फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, रीस्टोर, भाई जो बैकअप की चीजें बनाई हुई थी आपने, अपनी फाइलों का जो बैकअप लिया था उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रीस्टोर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, फॉर्मेट कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है, फॉर्मेट कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है, एक खाली डिस्क तैयार करने के लिए, एक इस्तेमाल की गई डिस्क से एक नई खाली डिस्क बनाने के लिए, ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर, क्या बोल रहा है, क्या करना है भैया, फॉर्मेट करना है, जब आप फाइल को फॉर्मेट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, खाली डिस्क भी तैयार हो जाएगी और एक न्यू ब्लैंक डिस्क बन जाएगी जिसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों करेक्ट है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, डिस्क को खाली कर देना, अब आप उस डिस्क का इस्तेमाल अपने दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, विच कमांड इज यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, सीडी एमडी आरडी या इनमें से कोई, मेक अ न्यू डायरेक्टरी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कमांड, याद आया कुछ, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताया था मैंने, मेकिंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाने के लिए एमडी का यूज होता है, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, और ये आ गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 में, डायरेक्टरी को नई डायरेक्टरी बनाने के लिए एमडी का इस्तेमाल होता है, कहीं सीडी कर दो क्रिएट डायरेक्टरी, नहीं भैया, सीडी का इस्तेमाल होता है करंट वर्तमान वाली डायरेक्टरी पर जाने के लिए, सीडी का मतलब होता है वर्तमान वाली डायरेक्टरी पर जाने के लिए, और आरडी का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, अगर आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव हटाना चाहते हैं,
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट इन टर्म्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फैट की फुल फॉर्म क्या होती है? अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को स्टोर किया जाता है फैट के आधार पर। फैट मतलब मोटापा नहीं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को स्टोर किया जाता है फैट के अकॉर्डिंग। अब ये फैट क्या होता है भाई? फाइल एलोकेशन टेबल। फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। आपकी फाइल को किस तरीके से व्यवस्थित करके रखना है ताकि सेम डेटा एक साथ उठकर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर देखने लग जाए, वही होता है। क्लियर है? चलो बच्चा डोंट वरी, मैंने आपको पहले भी बोला है मैं आपको एक्सेल के भी करवाऊंगी। मैंने इतने सारे क्वेश्चन एक्सेल के करवाए हैं ना, कहीं करवाए नहीं होंगे। सही बता रही हूँ, मैंने इतने आपको एक्सेल के इतने डीप क्वेश्चन करवा दिए। एक्सेल के फंक्शन भी मैं आपको करवा दूंगी, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मंडे में चलो एक्सेल के फंक्शन कर लो। और बताओ, सेंटा क्लॉज से जो गिफ्ट मांगना है आज ही मांग लो, ठीक है? फिर सेंटा क्लॉज आएगा मंडे में गिफ्ट लेकर। तभी आपने बोला एक्सेल के फॉर्मूले का क्वेश्चन, चलो एक्सेल करवा देते हैं। एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट होता है एमएस ऑफिस, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। डीआईआर कमांड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है? डीआईआर कमांड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल इन अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी में जितनी भी फाइलें उन सभी की सूची, लिस्ट को प्रदान करने के लिए DIR डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो तो आज के सेशन को बच्चा फिर हम लोग रखते हैं यहीं तक। होमवर्क आपके लिए मैं एक दे देती हूँ, आपको बताना है क्या बी क्या लिखूं मैं, एक मिनट रुको, लिखो ए बी सी दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, इसको चेंज करना है बाइनरी में, बताना जरा इसका आंसर क्या है। ए टू जेड जितने भी स्टूडेंट है सभी करेंगे। हेक्साडेसिमल की वैल्यू है ए बी सी, इसको चेंज करना है बाइनरी में, बताइए जरा इसका क्या उत्तर आएगा। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है बच्चा, सेशन इंपॉर्टेंट था, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, किसी पेपर में आ गया ना तो फिर वही बच्चे घूम कर आएंगे सेशन को, ढूंढेंगे कि मैडम ने डीओएस करवाया था, जरा उसको देख लें। हेल्पलाइन नंबर नीचे लिखा हुआ है, नीचे पट्टी चल रही है उसमें लिखा हुआ नंबर है हेल्पलाइन नंबर। मैं आपको नंबर एक दे भी देती हूँ आपको, अगर जैसे कुछ भी दिक्कत है ना, एप्लीकेशन नहीं चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9873987311552 नंबर है हमारा कॉलिंग के लिए, ठीक है? कॉल कर लें, ओके चलो। और क्लास आप लोगों की होती है ये कंप्यूटर की रोज कितने बजे होती है? तो बच्चा आप लोगों की क्लास होती है डेली 1 बजे, तो ऑन टाइम आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास में जरूर जरूर आ जाना है। और आज हमने कवर किया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को, इंपॉर्टेंट कमांड, ठीक है? आशा है कि आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको लिखा करो, कॉपी नोट बनाओ, ताकि जरूरत जब पढ़े, एग्जाम आ जाए नजदीक, तो आप उसको पढ़ सको, जरूर बना इसके नोट्स, ठीक है? बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ मंडे अपने टाइम पर, ठीक 2:00 PM। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए बच्चे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल आपकी एक मैराथन आ रही है, पहले मैं बता देती हूँ उसके बारे में भी, ठीक है? कंप्यूटर की नहीं है, लेकिन हाँ कल आपकी मैराथन आ रही है रीजनिंग की। तो आप में से वो सभी स्टूडेंट्स जो रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आप चाहते हैं, ऐसे 100 क्वेश्चन जिसमें पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, अगर आप चाहते हैं ऐसे 100 क्वेश्चन जिसमें पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर दूं मैं, और वो क्वेश्चन जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपके लिए कल लेकर आ रही हूं एक मैराथन। सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं 9:00 AM आपकी रीजनिंग की मैराथन के अंदर, कल 24 दिसंबर। तो कल 24 दिसंबर 9:00 AM आपके लिए मैराथन आ रहा है रीजनिंग की, 3 घंटे की मैराथन होगी,
और कितने बजे होगी? सुबह 9 बजे होगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। आप लोग जाएंगे एग्जामपुर चैनल पर, एग्जामपुर पर आपको मैराथन मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग एग्जामपुर चैनल पर जाएंगे, एग्जामपुर चैनल पर जाने के बाद आपको मैराथन दिख जाएगी। कहाँ है ये? तो कंप्यूटर की क्लास चल रही है अभी हमारी, इसमें मैराथन 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 ये रही। अपकमिंग इवेंट्स आ गए, स्पेशल इवेंट तो होने चाहिए थे, वेट थोड़ा सा रुकना बस, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख जाएगी, सुबह विवेक सर की होगी जीके जीएस की 2 घंटे की मैराथन, और ये 3 घंटे की मैराथन होगी आपकी सुबह 9 से 12। सभी स्टूडेंट जाकर एक बार इस इवेंट को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग के नोट्स, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है। आप इसमें देखो मिल जाएगा आपको लिंक, नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है, आज की क्लास के नीचे था, मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो आज की सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर रीजनिंग पढ़नी है तो कल सुबह 9 बजे आप जरूर आ जाइएगा। मिलते हैं बच्चा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।